हर हर महादेव। उड़ीसा से एक पंडित जी हैं रमेश पांडा जी, उनका वर्तमान के समाज को देखते हुए बड़ा सटीक प्रश्न है। वे कह रहे हैं कि महाराज, आजकल लोग बिना विवाह हुए लड़के लड़कियां ये जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान करके, प्रेमी प्रेमिका बन करके और शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उनके लिए क्या शास्त्रों में विधान बतलाया गया है, उनको क्या दंड मिलेगा या उन्हें क्या प्रायश्चित करना चाहिए, तो ये सब आजकल बहुत हो रहा है, इसके बारे में बतलाइए। देखिए, ये आजकल तो शौक हो गया है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अशास्त्रीय इच्छा पूर्ति के लिए ये जो एक अशास्त्रीय कृत्य करते हैं लोग बिना विवाह के ही, पूर्व में ही वैसे उनसे कहा जाए कि जल्दी विवाह कर लो तो वे कन्याएं और वे लड़के राजी नहीं होंगे। अरे हमको पढ़ना है, हमको ये करना है, वो करना है, जैसे कि इससे बड़ी भाई जो है पढ़ाई में कोई रुकावट आती हो और फिर तो हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वैसे नित्य प्रति इसी की बातें करना, इसके लिए उद्योग करना माने कार्य क्रियान्वित होना और दूसरी लड़की को फंसाना, कन्या को फंसाना किसी भी प्रेमिका मान करके, और वो भी ऐसा ही नहीं कि लड़के ही, लड़कियां भी, एक को छोड़ के दूसरे, दूसरे के छोड़ के तीसरे, एक के चार पांच छह सात और किसी के उसकी दूसरी चार पांच सात जो है प्रेमिकाएं प्रेमी मिल करके फिर ये जो अवैध संबंध बना रहे हैं और उनकी लड़कों की भ्रूण हत्या कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। कुछ के तो माता पिता भी राजी हैं, अरे वो तो उनके गर्लफ्रेंड है, वो तो उनकी बॉयफ्रेंड है, और विवाह से पहले कुछ दिन रह करके इस्तेमाल करके देखते हैं और फिर जो है विवाह करते हैं, और फिर भी पसंद नहीं आया तो छोड़ करके दूसरा कर लेते हैं। ये तो इस तरीके से नालायकी चल रही है समाज में कि समाज ने भी इसको स्वीकार कर लिया है, अब समाज कहाँ जाएगा, क्या ये समाज कहलाने योग्य है, तो देखिए इनका क्या हिसाब होना है। कि पहली बात तो बिना विवाहिता के तो और ज्यादा ही अपराध है, विवाह होने के बाद भी यदि कोई पुरुष पराई स्त्री से संबंध बनाता है या बिना विवाहिता के संबंध बनाता है, या कोई महिला जो है बिना विवाहित पुरुष से या पराये पुरुष से संबंध बनाती है, या विवाह से पहले ही कोई बालक बालिका या जो युवक युवती प्रेम प्रेमी प्रेमिका नाम पर किसी से संबंध बनाते हैं, और फिर जो है विवाह किसी दूसरे से होता है, तीसरे से होता है, ये सब कार्य होते हैं, तो इनके लिए क्या शास्त्रीय विधान है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में और 20वें गद्य में ही इनको बतलाया गया है, आप वहां देख सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि यस्त्री हवा अगम्याम स्त्रीय मगम्यम वा पुरुषम योषित अभिगच्छति तौ अमूत्र कषया ताडयन्तः तिग्मया शूर्म्या लोहमय्या पुरुषम आलिंगयन्ति स्त्रियंच पुरुष रूपया शूर्म्या। इसका अर्थ हुआ कि यस्तु यह तू यह अगम्या स्त्रीय, यदि कोई पुरुष जिसकी वह परिणीता भार्या नहीं है, वो किसी कन्या में या युवती में या किसी भी दूसरे की स्त्री में जो है गमन करता है, स्त्रियम गम्यम वा और पुरुषम योषित अभिगच्छति, और या कोई जो है स्त्री अपने पति को छोड़ करके अथवा विवाहत पूर्व ही किसी दूसरे पुरुष से या प्रेमी के नाम पर किसी दूसरे लड़के से और शारीरिक संबंध बनाती है, तो तव अमूत्र वे दोनों ये जो है तप्त सूर्मी नाम के नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं?
तप्त सूर्मी नरक में कषया ताडयंत, और वो कोड़े उनके ऊपर बरसाते हुए वस्त्रहीन शरीर पर और चमड़े के बड़े विशाल कोड़े और पीटते हुए जिनकी जब तक वो जो चर्म है वो उधेड़ जाती है तब तक वहां खींच करके उन्हें नरक में ले जाया जाता है। और वहां क्या होता है, तिग्मया सूर्मया लोहमया, वहां स्त्रियों के लिए जो है पुरुष लोहमय, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नग्न नग्न लोहे का पुरुष गर्म जो कि भकभकाता हुआ एकदम दाहकत्व उसमें अग्नि भरी हुई है, लोह का पुरुष है बहुत बड़ा विशाल नग्न है, स्त्री को जो स्त्री जो है पर पुरुष के साथ गमन करती है उसको उस पुरुष से बलात् चिपका दिया जाता है, उसके साथ समागम कराया जाता है लौहमय पुरुष से, लौह जो है गुप्तांग उसके सब लोह के ही होते जाज्वल्यमान उनसे। और यदि कोई स्त्री होती है और पुरुष ऐसा करता है तो उसके लिए जो है स्त्रियंच पुरुष रूप या सूर्मिया, स्त्री के लिए पुरुष रूप सूर्मी और पुरुष पुरुष के लिए जो स्त्रियां पुरुषम आलिंगयंती स्त्रियम च पुरुष रूपया सूर्य, तो पुरुष को लोह की स्त्री बनी होती है जो की जो है बहुत गर्म एकदम लाल हो जाती है उस स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करवाया जाता है और उससे चिपका दिया जाता है। अब देखिए लोग सोच रहे होंगे कि यूं आया और थोड़ा चिपका दिया, कई लोग कहते नरक में जाएंगे और क्या मर ही तो जाएंगे, अरे मरना होता तो यही मार दिया जाता, मरना नहीं है, ये शरीर की क्षमता है, इस शरीर के सुख और दुख भोगने की क्षमता है, ये पार्थिव शरीर है, वो ज्यादा चोट लग जाए ज्यादा कोई सुख दुख हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है, वो इससे ज्यादा सुख भोग नहीं सकते थे, ज्यादा खुशी हो गए हार्ट अटैक आ गया, एकदम ज्यादा दुख हो गया मर गया वो, इसी तरीके से चोट ज्यादा लग गई डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं इनके बचने की संभावना नहीं है शरीर में ज्यादा चोट है, तो एक दुख झेलने की सुख झेलने की इस शरीर की क्षमता है, लेकिन कोई कई स्त्रियों के साथ में बलात्कार कर चुका है और उसको भी मृत्यु दंड दे दिया जाए बस, और एक के साथ कर चुका है उसको भी मृत्यु दंड दे दिया जाए, अरे ऐसा नहीं है, फिर नरक की बात क्या, नरक का फिर क्या भय रहेगा, वहां क्या है कि ये जो शरीर तो यही रह जाता है, वहां जो शरीर जाता है ये आत्मा को ले जाया जाता है अंतःकरण चतुष्टयमयी ये जो और इंद्रियमयी ये जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको ले जा करके यमराज के पास में वहां शरीर रखे हुए हैं, उनको कहा जाता है यातना शरीर, और उनमें जाकर के उन आत्माओं को प्रवेश करवा दिया जाता है, और वे समझते हैं कि अब मैं यही हूं मेरा ये शरीर है, और वो शरीर ऐसा होता है लाखों वर्ष जलाइए लाखों वर्ष काटिए और तेल के कटा हमें डाल दीजिएगा, आजकल तो कोई किसी को चिपकाया जाए उस गर्म पुरुष से या गर्म स्त्री से तो वो जल करके राख हो जाएगा, वो चिपक जाएगा धड़क जाएगा खत्म हो जाएगा, उसकी हड्डी वड्डी सब जल जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं है, वो यातना शरीर जो होते हैं वो उसमें आवद्ध आत्मा को कष्ट देते हैं, वो शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, वो यातना के लिए ही बनाए गए हैं वो शरीर, ऐसे ये जो कुकर्मी अधर्मी पापिष्ठ लोग हैं उनके लिए यमराज के पास बहुत से नरक हैं और बहुत से शरीर हैं, उन शरीर में उसको प्रवेश करवा दिया जाता है, और वो जितना जैसा जैसा कोई व्यभिचार दुराचार अत्याचार पापाचार और भ्रष्टाचार और ये कामाचार करता है उसको उतने उतने लाखों वर्ष तक उस शरीर से लगा, ना तो वो शरीर ठंडा होता है कि वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, और ना ही उसकी सूर्मी कम होती है, वो जो वेदना उसको होती है वो लाखों वर्ष तक, तो लाखों वर्ष तक वो ऐसे ही चिपका रहेगा और कष्ट भोगता रहेगा, इसका याद कर लीजिएगा, इसका भी स्मरण करिए कि ये शास्त्र कह रहे हैं, व्यास जी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं ऊर्ध्वाहुर ब्रह्मीय स नच कस्य चरणोति में, इसको सुनने का कुछ भी नहीं है, तो वो समाज वो स्त्री वो महिला वो कन्या वो युवक वो पुरुष इन बातों को सुने जो पराई स्त्री से पर पुरुष से पराई कन्या से इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अरे वो कह रही थी उसकी इच्छा थी या तुम कह रहे थे उसकी इच्छा थी,
इस तरीके से ये बातें नहीं चलेंगी, अरे वो तो हमारी है, हमारा हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारी जो प्रेमिका है। नहीं, वो अभी किसी की नहीं है, वो उसके अभी पिता की है, उसने किसी को नहीं दिया है। इस तरीके से समय पर विवाह का प्रलाप करके, उसको आलाप करके, उसको न करके, तमाम बहाने बना करके और गुपचुप रूप से ये सब करना, आजकल के ये जो जितने भी कॉलेज लाइफ वाले जितने भी लड़के हैं और युवती जितनी है जो विवाह नहीं करते, अभी तो और लेट करेंगे और लेट करेंगे, तब तक हम कई भ्रूण हत्याएं करेंगे, तब तक कई पुरुषों को कई स्त्रियों को बर्बाद करेंगे। तो वे लोग तप्त सूर्मी नरक में जा करके इस प्रकार के बहुत से कष्टों को प्राप्त करते हैं, और बाद में वो स्त्री वो कन्या वो या वो पुरुष वो जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद में अगर बहुत दिनों बाद वो त्री या कीट पतंग इत्यादि बनता है, फिर रोगी पुरुष बनता है, वो रोगी महिला बनती है, और उसके बाद उसका जब विवाह होता है तो उसके बाद उसका पति मर जाता है, विधवा हो पाए तरुणाई जो जो है तुलसीदास जी कहते हैं, और अगर वो पुरुष होता है तो वो जो है विधुर हो जाता है, फिर इस तरीके से तड़पते रहते हैं कई लाखों वर्षों के बाद। तो लाखों वर्षों तक ये तप्त सूर्मी में ये कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिए समाज से ऐसे पुरुष से युवती से ऐसे भाई बहनों से हमारा ये कहना है कि इन सब चीजों को छोड़ करके देख करके अपने कुलानुरूप मानवानुरूप धर्म शास्त्रानुरूप अपने कार्यों को करें, इन सभी का परित्याग करें, अन्यथा परिणाम भोगना पड़ेगा जो बड़ा दुष्कर है। हर हर महादेव।